सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शनिवार को आयुक्त कार्यालय परिसर में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मंडलायुक्त ने कहा, सरदार पटेल का जन्म सन 1875 में गुजरात में हुआ था और उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। देश को एक सूत्र में बांधने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मंडल के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सरदार पटेल के मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, लगभग 76 साल का जो जीवन जिया है, 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 तक का वो पूरा जीवन जिस तरह से उन्होंने देश सेवा में लगाया, और सही मायने में, यदि सही मायने में आज जो आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया दैट इज भारत कैन बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, सही मायने में जो भारतवर्ष है, यदि उसका उसको बनाने का किसी एक महापुरुष को श्रेय जाता है, उसमें अग्रणी नाम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का होता है। तो आज आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित होके हम सभी उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सम्मुख आज हम संकल्प लेते हैं कि देश एकता को अक्षुण बनाए रखने के लिए हम जो कुछ कर सकेंगे हम उसको करने का प्रयास करेंगे। और उसी के क्रम में ये नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक शपथ दी जानी है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, क्योंकि दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता, अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। धन्यवाद। जय देखिए, आज पूरा देश नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये वो महापुरुष हैं जिसकी वजह से आज भारत भारत है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि भारत आज अक्षुण्ण और एक होकर खड़ा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है और उनकी पूरी 1875 से उनका जन्म वर्ष है और 1950 में उनकी 15 दिसंबर 1950 को उनकी पुण्यतिथि है। वो पूरे 75 साल जिस तरह से इन महापुरुष ने राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र को खड़ा करने में लगाए, वो अविस्मरणीय है और हर देशवासी को, हमारे गोरखपुर कमिश्नरी और जनपद के वासी को ये आज हमें ध्यान में रखते हुए
ये सभी कार्य किए जाने चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ हो और ये राष्ट्र और अग्रिम विकास की पंक्ति में अग्रिम स्थान पर खड़ा हो। पुनः आपके माध्यम से मैं इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।